नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। सोशल मीडिया का खुमार लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर चढ़ गया है कि लोगों ने अपनी जिंदगी को ही तबाह कर दी। दरअसल ये मैं नहीं कह रही, ये बयां कर रहा है नालंदा का ये वीडियो। जरा आप भी देखिए ये वीडियो और फिर अंदाजा लगाइए कि लोगों के दिलो दिमाग पर सोशल मीडिया का खुमार आकर किस कदर व्याप्त है। दरअसल नालंदा में मालगाड़ी हादसे के बाद दो युवक ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक से दोनों हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया और इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरअसल बुधवार की है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे बेपटरी हुई मालगाड़ी की बोगी पर चढ़कर ये लड़के सेल्फी लेने के चक्कर में है कि तभी युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। दरअसल नालंदा के फतुमा इस्लामपुर रेलखंड पर एकंगड़ सराय रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की 9 बोगियां बेपटरी हो गई थी। इस पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। जरा एक बार फिर आप इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ युवक बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तभी दोनों हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए और एक तेज रोशनी हुई, इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इसी घटना से सूरज कुमार की मौत हो गई, वहीं छोटू गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल मालगाड़ी कोयला लोड कर इस्लामपुर की ओर से फतुमा की ओर जा रही थी, तभी एकंगड़ सराय रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी की एक एक कर 9 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद अब ये हादसे का वीडियो सामने आ रहा है। तो देखा आपने, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने के फिराक में रहते हैं और ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए मेरी इजाजत, नमस्कार।